इतना आसान टारगेट भी यार अगर आपसे अचीव ना हो तो क्या आप इतने बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाई हैं? ख्वाजा सर आजकल ट्रेंड में है तो उनको भेज देना चाहिए। छलकना समझा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट को, सैरे करने के लिए जाते हैं और काउबॉय बनने के लिए जाते हैं। हम बहुत मायूस हैं इनकी कारकर्दगी से। 45 लाख रुपया तनखा बाबर आजम किस बात की लेता है? ये कारकर्दगी इनकी, जब भी हम लोग आते हैं मैच देखने हमारा दिल तोड़ देते हैं। बहुत अपसेट है यार, पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच हरवा दिया हमें। यार भाई सुबह फाइनल एग्जाम है हमारा, हम लोग इनको देखने हैं, उन्होंने बदोबद ही कर दिया सारा प्रोग्राम। क्वेश्चन मार्क है टोटली जो भी इनकी मैनेजमेंट है उस पे। ये तो बुजुर्ग लोग इधर खेल रहे थे तो कहाँ से जीतने इन्होंने? हम लोग इतने शौक से मैच देखने के लिए हैं, क्या इन्होंने किया हमारे साथ? ये शायकनी क्रिकेट का क्या हल करते हैं? जब भी हम लोग आते हैं मैच देखने हमारा दिल तोड़ देते हैं। कोई इतना स्कोर नहीं था, स्कोर से स्ट्राइक तो रोटेट करें। 120 सिर्फ, 120 चेंज नहीं हो रहा। ये वर्ल्ड क्रिकेट खेलने गए हुए हैं या ये टूर्नामेंट खेलने गए हैं या कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलने गए हुए हैं? इतना दिल तोड़ते हैं यार, शायकनी क्रिकेट देखें कितना सब सैड है। बहुत अपसेट है यार, पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच हरवा दिया हमें। अच्छा जी, क्या समझते हैं 120 भी चेज नहीं हुआ? बस ये क्या करें, आप देखिए छोटी टीम से भी आ रहे हैं जहाँ पे इनके पास टारगेट छोटा है वो भी इनसे पूरा नहीं हो रहा, तो क्या ही कर सकते हैं। अब तो टीम भी अच्छी थी लेकिन मैनेजमेंट से नहीं हुआ यार, किसी ने भी अपना रोल जो है प्रॉपर तरीके से अदा नहीं किया। यार भाई सुबह फाइनल एग्जाम है हमारा, हम लोग इनको देखने हैं, उन्होंने बदोबद ही कर दिया सारा प्रोग्राम। अब कुछ भी नहीं कह सकते, अल्फाज ही नहीं है हमारे पास यार, इतना घटिया तरीन। खासकर हमें आधा मैच में मरीजों ने खड़ाया बस। भाई क्या हुआ, मैच हार के 120 भाई दिल तोड़ दिए यार। 120 रन चेज पर रन था, ये बैटिंग लाइन अप है इनकी, क्वेश्चन मार्क है टोटली जो भी इनकी मैनेजमेंट है उस पर, जो भी टीम मेकिंग की है इन्होंने, 120 रन नहीं चेज हुए। हम बहुत मायूस हैं इनकी कारकर्दगी से। 45 लाख रुपया तनखा बाबर आजम किस बात की लेता है? ये कारकर्दगी इनकी, इससे तो चाह हम खेल लेते। 6 का स्ट्राइक रेट है, हाल भी खराब है, हालात भी खराब, स्कोर नहीं यार। असल में देखिए मैच वही जीतेगा ना जो बादलों की तरह खेले, ये तो बुजुर्गों की तरह खेल रहे थे तो कहाँ से जीतना इन्होंने? तो जो क्रिकेट खेलनी चाहिए थी उनको, अटैकिंग क्रिकेट, वो नहीं खेली इन्होंने, और कब से ज़्यादा आपको उम्मीदें थी? नहीं, उम्मीद तो बाबर और रिजवान से ही थी। चलो उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया था, रिजवान आखिर तक खड़ा रहा थोड़ा बहुत, तो मिडल ऑर्डर में शादाब था, उसको ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। खासकर हमारे चाचा साहब जो है उसको भी थोड़ा जो है ना ध्यान से। आप क्या कहेंगे 120 का टारगेट नहीं चेज हुआ? ये बुजदलों से ये काम कब होगा? 120 का कोई टारगेट है बड़े भाई? 120 का कोई टारगेट है? चबलों वाली क्रिकेट खेलने हैं यार ये सारे, माशाल्लाह इतना मेला लगा हुआ है, किस लिए? इनके लिए लगाया सब ने, देखें सब लगाया इवेंट के लिए, इवेंट किया है, मैनेजमेंट पैसे लगते हैं हर चीज़ के, सब शायकीन आए हैं अपने घरों से निकल के, पर लेकिन 120 कोई टारगेट बनता है यार? कौन से प्लेयर ने आपको ज़्यादा मायूस किया? भजन सब ने किया सर। आप बहुत अफसुदा हैं, रो रहे हैं आप? यार अल्लाह की कसम खा कहता हूँ, जब पाकिस्तान यूएसए से हारा था ना तब मैं फजर तक मुझे नींद ही नहीं आई, और आज हिंदुस्तान यार हमने जो सब कुछ छोड़ दिया कि मैच देखने जाना है। आपने देखा शुरू में बॉलिंग, यार इसमें नो डाउट पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी, लेकिन बैटिंग ने ना हमेशा की तरह हमारा दिल तोड़ा। सर आप रो भी रहे थे? नहीं नहीं, मैं रो नहीं रहा था, मेरे इमोशन जो हैं वो इमोशंस वो साथ नहीं दे रहे। यार देखें इन्होंने बैटिंग में क्या किया इन्होंने, मैं गाली, मेरा दिल तो गाली देने को कर रहा है यार, ये बाबर आजम, ये कप्तान ही नहीं ठीक है। बाबर आजम की कप्तानी हम पहले भी कहते थे ठीक नहीं यार, इसने क्या देखें यार, वो उस्मान नया लड़का है उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। उसके बाद इफ्तिकार शादाब, यार बैट्समैन है वो, आप उसको क्यों भेज रहे हैं? आप देखें 120 रन है, आप स्कूल से खेलें, आप आए ना, आप अफरीदी बन जाते, बल्ला आपसे टैच नहीं होता। फखर जमान अच्छा प्लेयर है लेकिन उसको बॉल ही नहीं नज़र आ रही यार। ये रिजवान बहुत इजी बॉल पर वो आउट हो गया यार। रिजवान 31 रन की है, वो फ़ायदा मंद है ना, 31 रन तो मार लिया, बाकियों ने क्या किया? बाकी टोटल मिला लें, किसी ने इतना रन नहीं किया हुआ। किसको लें? बाबर आजम को लें। बाबर आजम कौन सा कप्तान है? फजूल तरीन कप्तान है। आज के मैच में क्या किया उसने यार इमाद वसीम ने? 23 बॉलों पर 15 स्कोर बना के आउट हो गया। मुझे बताएं कि क्या उसको मैच अवेयरनेस, आखिर वाले ओवर में आके वो स्कोर मारना स्टार्ट हुआ तो आउट हो गया। ये क्या इन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट का क्या छनकना समझा हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट को? ये क्या वहाँ पे सैरे करने के लिए जाते हैं और काउबॉय बनने के लिए जाते हैं? फ्लोरिडा में इनका मैच है, मियामी बीच में जाएंगे, ये वहाँ पे ठुमके लगाने जाएंगे, क्या कर यार इन्होंने भाई सत्यानाश कर दिया हमारा। हमारी कौम एक ही खेल खेलती है और देखती है, वो है क्रिकेट, वो भी देखना छोड़ देंगे यार, यही कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं यार, ये हिजरों की टीम है यार, हिजरों की टीम है भाई। बैटिंग अच्छी होती है, बॉलिंग अच्छी नहीं होती, बॉलिंग अच्छी होती है, बैटिंग अच्छी नहीं होती, कहीं तो यार ये सब कुछ अच्छा करें भाई। जब भी देखो यार हमेशा अंडर प्रेशर ये लोग भाई, बॉम मार देते हैं हमेशा अंडर प्रेशर भाई वो लोग। हालांकि उनसे बैटिंग अच्छी नहीं हुई लेकिन उन्होंने अपनी बॉलिंग अच्छी कर ली, और एट दी एंड उनकी बॉलिंग अच्छी काम आई, उनको और कुछ नहीं चाहिए था, उन्होंने 120 पे भाई हमें कंटेन कर लिया। हम लोग 120 ही नहीं कर पाए यार, इतना लो स्कोर। हालांकि हमारी बॉल तो बॉल भी नहीं था स्विंग हो रहा था जितना पहली वाली इनिंग में बॉल स्विंग हो रहा था। एक साल इतना बड़ा जो इवेंट आता है उसमें 120 नहीं कर सकती, आप बताएं
इनका आगे इंग्लैंड के साथ भी होना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होना है, वेस्ट इंडीज के साथ भी होना है, क्या आप इस समझते हैं टीम को? कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है यार, आप यकीन करें, आप अंडर 90 की टीम उठाएं पाकिस्तान की, मेरे ख्याल से इससे अच्छा खेलेंगे। क्या किया है? देखें नसीम शाह आया, दो तीन गेंदे ही बेशक खेली, लेकिन नजर आया वो फाइट कर रहा है। इनकी हमें आज तक समझ नहीं आई, मुझे मेरी 25 साल उम्र और 20 साल मुझे क्रिकेट देखते हो गए, जब मैं सीधा आता तब ये टुक टुक करते हैं, टुक टुक से यार गेम है, आपने वापस आना है क्योंकि ये पार्ट ऑफ गेम, कभी उधर कभी उधर, लेकिन इतना आसान टारगेट भी यार अगर आपसे अचीव ना हो तो क्या आप इतने बड़े इवेंट के लिए क्वालिफाई हैं? आप मुझे बता दें। 120 रन यार एक पर बॉल पर सिंगल करते तो आप चेज हो जाते। इंडिया ने बताया कि वो नंबर वन बॉलिंग है, इंडिया ने बताया कि वो नंबर वन टीम है, रोहित शर्मा ने जिस तरह से अक्षर पटेल को यूटिलाइज किया, आप नहीं कर सकते अपने प्लेयरों को यूटिलाइज? पता नहीं यार उनका मसला क्या है, पहले इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी कर लेते हैं, उम्मीद दिला के हमेशा हमारे ऐसे कर देते हैं। अब इनकी बैटिंग लाइन देखें आप, आजम खान को नहीं खिलाया, ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती किया। लोग कहते हैं आजम खान को खिलाना नहीं खिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए था, उसकी जगह इमाद वसीम को लेके आए, इमाद वसीम ने क्या कर लिया, दो तीन बॉलें अच्छी करा दी, उन्होंने कहते हैं साथ उन्होंने अपने वो कर दिया, साथ उन्होंने अपनी बैटिंग देखी, उसने तीन चार बॉलों के बाद वो जाकर रोटेशन कर रहा है बैट्समैन के साथ, ऐसे तो नहीं बैटिंग होती ना, एंड में जाके बल्ला उठाया उसने तो वहाँ में वो आउट हो गया। इफ्तिखार ने भी मैं बहुत मायूस किया, इसी वजह से उनको हम सपोर्ट करना छोड़ गया, लव यू हो गया। आप वहाँ पर रो भी रहे थे, क्यों रो रहे थे? मेरा दिल बहुत टूट गया था, हम इतनी दूर से आए थे सिर्फ पाकिस्तान का मैच देखना कि पाकिस्तान अब अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन 120 का स्कोर था, इतना कम स्कोर था और वो इनसे नहीं हो पाया। ये हमारी टीम ने जीता हुआ मैच आ रहा है, 100 रन पर जब हम जा रहे थे 92% पाकिस्तान के चांसेस थे, और उसके बाद इंडिया ने बहुत अच्छा कमबैक किया, उनके बॉलर्स ने भी जान मारी और उन्होंने भी साबित किया कि ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे बैट्समैन जब हमारे ओपनर्स आउट होते हैं ना तो उसके बाद फिर लाइन लग जाती है कि एक के बाद एक घर वापस आना शुरू हो जाता है। और रही बात इनकी परफॉर्मेंस की, तो ये लोग अमेरिका में वर्ल्ड कप के लिए बिल्कुल नहीं गए हुए, ये सिर्फ अपनी वेकेशन एंजॉय करने गए हुए, इनको $25 में सेल्फी भी बना रही है, इनको डिनर्स करने, इनको अपनी फैमिलीज के साथ आउटिंग करनी है, और इन बेशर्मों को ये आइडिया ही नहीं है कि करोड़ों रुपये का जो टैक्स है गरीब आवाम का, पाकिस्तानियों का, वो इनके ऊपर लगा हुआ है। पाकिस्तान में क्रिकेट वो वाहिद गेम है जिसको लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, और लोग पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो रूठे हुए भी मान जाते हैं कि एक साथ बैठकर मैच देखते हैं, इतना जोश और खरोश है इस टीम का। जिस तरह हमारी हॉकी की टीम जो थी वो कभी नेशनल चैंपियन हुआ करती थी और फिर उसको उसका गरूर खा गया, गरूर का सर नीचा होता है, ऐसे ही इस टीम को भी इसका गरूर खा गया, उन्होंने कहा लो जी ये तो निकी निकी टीमें हैं। मुझे लगता है कि वो वक्त ना आ जाए हमारे ऊपर कि आयरलैंड और कीनिया जैसी टीमें हमारी टीम के साथ खेले, से भी पिछली दफा हार गए, जिम्बाब्वे जैसी जो छोटी टीमें हैं उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया और हमें भी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और अब हमें ना बाबर आजम चाहिए ना ये सब चेंज हो जाने चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए, नई सिलेक्शन कमेटी आनी चाहिए, और मेरिट पर 25 लाख लोगों में से क्या पाकिस्तान में इतना टैलेंट भी नहीं है कि हम लोग 15 ढंग के खिलाड़ी चूज कर लें क्या सारे? और रही बात इनकी, तो मेरे ख्याल में अगले मैचेस में जो है ना ख्वाजा सरा आजकल ट्रेंड में है तो उनको भेज देना चाहिए और इनके हाथ में छनकने दे देने चाहिए ताकि हो सकता है कि कोई बेटर परफॉर्मेंस कर सकें।